श्रीमद ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि घर में जो हम धूनी जलाते हैं तो किस धूनी को जलाने से हमें क्या फायदा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार घरों में धूनी मतलब धूप धूप देने की परंपरा काफी प्राचीन है। धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव दूर करने में इसे बहुत लाभ मिलता है। घरों में धूनी देने के लिए कई तरह की चीजें आती हैं। हम आपको बताएंगे कि किस चीज की धुनी करने से क्या फायदा होता है। जैसे कपूर और लौंग की धुनी दी जाती है तो रोजाना सुबह और शाम घर में कपूर और लौंग जरूर जलाना चाहिए। आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेनी चाहिए। इसे घर का वास्तु दोष खत्म होता है और साथ ही पैसे की कमी नहीं होती है। फिर गूगल की धुनी, हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की धुनी देने से गृह कलह शांत होता है। गूगल सुगंधित होने के साथ ही दिमाग के रोगों के लिए भी लाभदायक होता है। फिर है पीली सरसों। पीली सरसों गूगल लोबान गौघृत को मिलाकर सूर्यास्त के समय उपले मतलब कंडे जो होते हैं उपले जलाकर उस पर ये सारी सामग्री डाल दें, नकारात्मकता दूर हो जाती है। फिर है धूप बत्ती। घर में पैसा नहीं टिकता हो तो रोजाना महाकाली के आगे एक धूप बत्ती लगाएं। हर शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। फिर नीम के पत्ते, घर में सप्ताह में एक या दो बार नीम के पत्ते की धुनी चलाएं। इससे जहां एक ओर सभी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे वहीं वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। फिर है षोडशांग धूप। अगर तगर कुष्ठ सैलज सरकरा नागर चंदन इलायची तज नकनकी मुशीर जटामानसी कर्पूर ताली सदलन और गुगल, ये 16 तरह के धूप माने गए हैं। इनकी धुनि से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। फिर है लोबान धुनि। लोबान को सुलगते हुए कंडी या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती है, इसलिए बिना विशेषज्ञ से पूछे इसे नहीं जलाना चाहिए। फिर है दशांग धूप। चंदन कुष्ठ नखल राल गुड़ सरकरा नखगंध जटामानसी लघु और छौद सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इसे घर में शांति रहती है। फिर है गायत्री केसर। घर पर यदि किसी ने कुछ तंत्र कर रखा है तो जावित्री गायत्री केसर लाकर उसे कूट कर मिला लीजिए। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लीजिए। अब इस मिश्रण को रोजाना शाम को धूप दिखाइए। ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। तंत्र मंत्र कुछ असर नहीं करता है। फिर तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।